चलिए मैं आप लोग का आज बताने वाला हूँ कि कुक का ट्रे टेस्ट कैसे होता है। आप लोग जैसे कि देख सकते हैं कि किस तरह से ये हल्दी है, हल्दी है आप देख सकते हैं, ये प्याज है और ये हरी मिर्च है, हरी मिर्च है। अच्छा उसका हम ये देखिए भिंडी का भुजिया बना रहा, देखिए भिंडी का भुजिया किस प्रकार से बनाया जा सकता है उसी के बारे में बताया जा रहा है, देख सकते हैं आप। हल्दी डाले हैं इसमें और ये भिंडी प्याज डाले हैं। अच्छा ये भिंडी कब डाला जाता है प्याज, जब प्याज लाल हो जाता है, हल्का लाल हो जाता है इसलिए डाला जाता है भिंडी। ये देखिए भिंडी डाला, ठीक है, देखिए भिंडी का भुजिया बन रहा है। मैं आपको हर एक प्रकार के मसाला के बारे में बताऊंगा, कैसा कैसा मसाला होता है, कौन सा मसाला कहाँ डलाता है उसके बारे में भी बात करूंगा। देख बताइए मसाला कौन सा क्या है, ये नमक है, देखिए नमक डाल रहे हैं, नमक डाल रहे भिंडी में, अपना अनुमान से जो नमक है डाला जाता है हिसाब से ही, देख सकते हैं तेल मिर्च पड़ गया है, देखिए एक किचन किंग कौन सा मसाला है बताइए, किचन किंग है, किचन किंग मसाला है, ये सब्जी मसाला है, वो सब्जी मसाला है देख सकते हैं। और ये सब मसाले के बारे में बताइए, गरम मसाला खड़ा वाला, देखिए खड़ा वाला गरम मसाला है, आप थोड़ा दिखाइए इसको, देखिए इधर दिखाइए इधर इधर, ये खड़ा वाला मसाला है, और बताइए लाल मिर्च है, ये लाल मिर्च है, पाउडर है मिर्च का देख सकते हैं, और ये धनिया पाउडर है, ये धनिया पाउडर है आप देख लीजिए, ये गोलकी है, ये गोलकी है आप गोलकी को भी देख लीजिए, ये जीरा पाउडर है, अब जीरा पाउडर को भी देख लीजिए किस तरह होता है, आपको पूछा जाएगा कि क्या किस चीज का पाउडर है तो बताया जाएगा जी, बता हरा खारा जीरा है आप देख सकते हैं, खारा जीरा तो आप लोग जान ही रहे, देखिए खारा जीरा है, इसी प्रकार से आपको पूछा जाएगा वहाँ पे, ये तेल है और ये नमक है, ये अचार, नमक है, अचार भी देख लीजिए आपको टेस्टिंग के लिए वहाँ पे ऑफिसर्स लोग वगैरह से मांगा जाएगा अचार, तो आपको बताना होगा कि अचार है आप लोग देख लीजिए। और मैं इसी प्रकार का वीडियो बनाते रहता हूँ, अगर और भी कुक से रिलेटेड जानकारी चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और मैं अभी डिटेल्स में आप लोग को बता देता हूँ कि आप लोग का जो भी ट्रेड टेस्ट लिया जाएगा BSF हो CRPF हो, अभी CRPF का ट्रेडमेंट का वैकेंसी 9000 कुछ आया है समथिंग, तो उसमें भी लिया जाएगा, इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि अगर आप फॉर्म अप्लाई करने वाला है तो जानकारी रखना जरूरी है, इसीलिए आप वीडियो को जरूर देखें और अच्छे से समझ लें। सभी प्रकार के मसाले हैं देख लीजिए, देख लीजिए सभी प्रकार के मसाला आपके सामने रख दिया गया है, आप देख सकते हैं। चलिए मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।